युवती से फोन पर अश्लील बातचीत करने वाले पंतनगर थाना अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि ऑडियो वायरल होने के तुरंत बाद ही दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर दरोगा का एक युवती के साथ अश्लील ऑडियो वायरल हो रहा था। वायरल ऑडियो में उधम सिंह नगर के थाना पंतनगर प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी युवती के साथ अश्लील बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे थे। दरअसल एक साल पहले पंतनगर थाना क्षेत्र में दो परिवारों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें एक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे परिवार के पिता और पुत्री को जेल भेज दिया था और इस मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए वह युवती कई बार थाने गई थी और कई बार थाने जाने के कारण प्रभारी ने युवती से अश्लील बातचीत करनी शुरू कर दी, जिसके बाद युवती ने थाना प्रभारी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं उधम सिंह नगर के एसएसपी का कहना है कि मामला काफी संगीन है, जिसको देखते हुए ऑडियो के वायरल होने के तुरंत बाद ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था और इसकी जांच रुद्रपुर सीओ निहारिका तोमर को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के बाद पूर्व थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 354A की उपधाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी में आया है, जैसा कि विदित है कि एक पिछले हफ्ते फ्राइडे के आसपास में एक ऑडियो क्लिप संज्ञान में आया था। उसमें एक महिला के साथ हमारा तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेंद्र डांगे का एक ऑडियो सामने आया है। उसमें जो है बहुत सीरियस मामला है, जिसमें अश्लील बातें का जिक्र हुआ है। तो वो सीरियस और संवेदनशील पद पर रह के ऐसा हरकत करना, ये बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी और संवेदनशील घटना है। इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तत्काल जो है हमने उसी दिन हमने निलंबित कर दिया था। अंतरिम रिपोर्ट हमारा प्राप्त कर लिया गया। इसमें विस्तृत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मैंने आदेश दे दिया था, जिसको IPS ऑफिसर ASP निहारिका तोमर कर रही है। तो उनके आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर पहले मैंने निलंबित कर दिया था और इसके उपरांत फर्दर एक्शन लेते हुए हमने सुसंगत धाराओं में FIR की भी पंजीकृत कर दिया है, तो ताकि इसमें साक्ष्य और सबूत के आधार पर गहन विवेचना भी हो सके। और भविष्य के लिए माननीय DGP साहब का मैसेज है, मेरे तरफ से क्लियर संदेश है कि जो भी पुलिसकर्मी थाने में हो, चौकी में हो, पुलिस के कार्य क्षेत्र में, अपना कोई भी कार्य क्षेत्र में आने वाले फरियादी, शिकायतकर्ता, वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त, इन महिलाओं से बातचीत करने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, रौब दिखाते हुए, किसी प्रकार का लुभाते हुए, किसी प्रकार का लोभ या प्रलोभन देते हुए अपना पद का दुरुपयोग करके उनको इस प्रकार के अश्लील बातें करना या संबंध बनाने के लिए फोर्स करना, ये सब चीज़ें अगर संज्ञान में आता है तो तत्काल FIR और अरेस्टिंग की भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। वहीं अभी मामला राजनीतिक रूप लेता भी दिखाई दिया। एक तरफ कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलक राज बिहण ने इस मामले में SSP की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए पंतनगर थाना प्रभारी को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की मांग की थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भी इस मामले में साजिश की आशंका व्यक्त की थी। साथ ही लोग पूर्व थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की।